उसके प्रायोजक हैं ड्रीम क्रिएशन, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। हियर द ड्रीम प्रोजेक्ट्स कम ट्रू। कोरोना काल के दौरान पूरे लॉकडाउन में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मवीरों को वंदे भारत ने सम्मानित किया। वहीं सभी कर्मवीरों ने भी इस सम्मान के लिए वंदे भारत की पूरी टीम का आभार जताया। शहर की जनता को बस यही कहना है कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना में सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है और किसी को डराए नहीं कोरोना के प्रति। कोरोना के प्रति सावधानी बरतनी जरूरी है, कोरोना से डरना नहीं है। और इस समारोह में कर्मवीरों का जो सम्मान किया वंदे भारत की टीम ने, इसके लिए वंदे भारत की टीम को बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। आज वंदे भारत न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता को हमेशा आप लोगों के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। वैक्सीन कब आएगी हम नहीं जानते हैं, वैक्सीन का कितना असर होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि यदि हमने मास्क पहन के रखा है, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया और हम यदि सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कोरोना से बचे रहेंगे। यही सबसे बड़ा वैक्सीन है। कोरोना काल में जो लोगों ने एक दूसरे की सेवा की है उस जज्बे को वास्तव में सलाम करना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति ने की और किसी दूसरे ने नहीं की है। हर स्तर पे जो व्यक्ति जहां कर सकता था उसने अपने स्तर पे अपने भाइयों को, अपने शहर के लोगों की सहायता की है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी वंदे भारत को, धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उन लोगों का सम्मानित किया ताकि अगली बार उन्हें ये याद रहे। सम्मान केवल एक वो क्षण है जो ये याद दिलाता है कि हमने कुछ किया था, उसके लिए हमें कुछ पारितोषिक मिला है, और ऐसे सम्मान के लिए मैं वंदे भारत का धन्यवाद करना चाहूँगी। आज जो आपने वंदे भारत न्यूज़ का जो एक लॉन्चिंग करी है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो उन्होंने आपने जो कोरोना कर्मी का जो योद्धाओं का सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सम्माननीय कार्य कोरोना वीरों ने किया था और उनको आज जो यहाँ पर वंदे भारत द्वारा सम्मानित किया गया, इससे मानवता और इंसानियत के साथ साथ जो कोरोना वीर हैं उनको भी एक संबल मिला है, उनको प्रोत्साहन मिला है और आगे भी वो ऐसे ही कार्य करते रहें और देश की सेवा करते रहें, जनता की सेवा करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वंदे भारत के उज्ज्वल भविष्य की भी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वंदे भारत भी देश की आवाज़ बने। ईश्वर ने हमको एक मौका दिया कि हम समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में हमको विशेष सेवा करने की समय मिली और हमने उसका भरपूर उपयोग किया और जितनी अपनी बन सकती थी उतना ज़्यादा लोगों की, समाज की सेवा करी। बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम, जो कोरोना के कर्मवीरों को वंदे भारत की तरफ से सम्मानित किया गया और जो भी इस कार्यक्रम में जो अतिथिगण आए उनका भी हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि इस चैनल के लिए इतनी समय निकाला उन्होंने और हम ये चाह रहे हैं कि चैनल उन्नति के अग्रसर होता रहे हमेशा और तरक्की आगे बढ़ता रहे और देश की आवाज़ के नाम पे जिसे इसमें शब्द दिए वो बहुत सही दिए। और मेरा ये शुभकामना है इस चैनल को कि हमेशा आगे बढ़ते रहे और देश की आवाज़ के रूप में आए आगे। वंदे भारत न्यूज़ द्वारा जो आज कर्मवीर योद्धाओं के लिए जो कार्यक्रम सम्मान समारोह रखा गया माननीय शंकर लालवानी जी सांसद के मुख्य अतिथि में, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। और इसी प्रकार जो भी योद्धा लोग हैं जिन्होंने कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद की, हौसला दिया, उनको सम्मानित कर ऐसे और लोगों को आगे आने की इससे प्रेरणा मिलेगी और हम कोरोना से बहुत अच्छी तरह लड़ के और विजय प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। ये जो स्वागत हुआ है आपने, ये जो वंदे मातरम न्यूज़ चैनल ने करा है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ जिन्होंने कर्मवीरों का स्वागत करा है। और इस न्यूज़ चैनल के सभी जो भी हैं ऊपर से नीचे तक जिन्होंने भी ये चैनल स्टार्ट करा है, उन सबों को लख लख बधाई सिख समाज की तरफ से और शुभकामनाएं देता हूँ। इस चैनल का नाम ही है वंदे भारत, तो वंदे भारत मतलब इस पूरा ये सब चीज़ें इस नाम में ही समाहित हैं। और जैसा भारत की सेवा आप कर रहे हैं और वैसे हमारा ये शुभकामनाएं हैं कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े और आपने जो कर्मवीरों का सम्मान आज किया है कोरोना के कर्मवीरों का, इसके लिए आप जो है प्रशंसा के पात्र हैं। और हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं कि आज ये शुरुआत की है कार्यक्रम की आपने और चैनल की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो चैनल इतना ज़्यादा बड़ा हो कि हम विश्व स्तर पे और देश के स्तर पे इस चैनल को जान पहचान इसकी बने। यह तो बहुत ही सकारात्मक पहल है। जब
इस मंच में मैंने देखा कि माँ अहिल्या की नगरी में एक से बड़े कर्मयोद्धा कर्मवीर हैं। वंदे भारत न्यूज का यह सकारात्मक पहल मध्य प्रदेश में स्वागत योग्य है, क्योंकि जैसे ही आपकी पंचलाइन है भारत की आवाज़ वंदे भारत जनता की आवाज़, तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि जनता की आवाज़ बनकर आप पूरे प्रदेश में अपने पड़ोसी राज्यों में उभरें और वंदे भारत वास्तव में अपने नाम को चरितार्थ करें। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसे सपोर्ट करते रहे हैं, और इन्होंने हम मुझे यहाँ पर सीखने को ये मिला कि हर एक जो भी लोग यहाँ पर आए थे, जैसे इंदौर नंबर वन है, इसी तरह यहाँ पर वंदे भारत भी न्यूज़ भी नंबर वन है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो वंदे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो शुरुआत इंदौर के कर्मवीरों के साथ की है तो ये तो एक बहुत ही अच्छा पहल और बहुत अच्छी शुरुआत करी है। यहाँ से तो शुभ संकेत ऑलरेडी वंदे भारत को मिल ही रहे हैं कि इतने सारे कर्मवीरों का सम्मान कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में वंदे भारत जो है आम जनता की आवाज़ बन के उनकी मदद करते हुए हर परिस्थितियों में उनका साथ देते हुए ये वंदे भारत जो है अपना काम करेगा। इसके लिए मैं पुनः वंदे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आज का वंदे भारत ने जो रखा था आयोजन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और सराहनीय प्रोग्राम है, और अच्छे जो कर्मठ यहाँ के कार्यकर्ता थे उन लोगों का, कोविड वालों का सम्मान करा, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, हर एक चीज़ सम्मान हुआ, हम लोगों की बहुत खुशी हुई कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें मीडिया की बहुत बड़ा अहम योगदान है, कि जैसे कोई भी रहता है जागरूकता के, ये बीमारी में सिर्फ जागरूकता लाना है, और उसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज के कार्यक्रम संचालन करके आप लोग ही उसमें बहुत अच्छा किए, इसलिए अवधे शुक्ला सुरक्षा अधिकारी MBH। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हमें, और ये जो मध्य भारत चैनल के माध्यम से हम लोगों को जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं इस चैनल का, और बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम तो मैं वंदे भारत जो चैनल है इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करके स्वयं को सम्मानित करते हुए समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। और जो कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया है वो उल्लेखनीय है। वंदे भारत जो ये चैनल है ये बहुत प्रगति करे, उन्नति करे, समाज के हितों को, समाज की समस्याओं को एक आम जनता तक पहुँचाए, उनकी समस्याओं का हल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः वंदे भारत चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से सम्मान होना चाहिए सभी कर्मवीरों का।